हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर, भारत पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ब्रेकआउट स्टॉक्स का वीडियो नहीं देखा है या फिर चार्ट ऑफ द मंथ का वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर जो है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, जो कि आने वाले वीक्स में या फिर मंथ में एक अच्छा तेजी आपको इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे भी विजिट करके इन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं, इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भारत पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। स्टॉक में 9.5% का एक शानदार तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। जितने भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनी है, गेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC, रिलायंस, चेन्नई पेट्रो, MRPL, MGL, इन सभी स्टॉक्स में जो है हम लोगों को लगातार एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और आने वाले वीक्स में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे, तो इस पूरे वीक में स्टॉक जो है 17.46% के तेजी के साथ एक जबरदस्त मोमेंटम किया है। और लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे, तो स्टॉक 23% के रिटर्न के साथ वन मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के ऊपर इससे पहले 9 फरवरी को भी मैंने आपको अपडेट किया था, ट्विटर हैंडल पे अपडेट किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। उस टाइम में स्टॉक 459 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बोला था 480 के लेवल, अगर स्टॉक यहाँ पे क्लोज होता है 480 के लेवल के ऊपर, तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक इमीडिएटली अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है और उसके बाद जो है स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। बट इस पर्टिकुलर वीक के मूव में ही, इस जो अभी करंट वीक का मूव था, इसी मूव में स्टॉक ने अपने सभी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया और स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग दिया है। चलिए अब उससे पहले, चार्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक में जो है प्रमोटर का होल्डिंग 52.98% का है, और प्रमोटर यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे 53% का स्टेक है। FII का यहाँ पे 14.21% का स्टेक है, DII का 22.13% का स्टेक है, और रेस्ट आपको पब्लिक के पास 9.44% का स्टेक है। अब अगर कंपनी के ओवरव्यू पे बात करेंगे, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,21,120 करोड़। स्टॉक का पी जो है वो आपको 4 का है, 3.98 का पी है। ROCE 6.86% का है और ROE जो है वो आपको 6.34% का है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोग डिविडेंड के लिए आपको स्टॉक को बाई करते हैं। काफ़ी अच्छा डिविडेंड जो है वो आपको BPCL के द्वारा दिया जाता है। इनफैक्ट अगर सभी स्टॉक्स की बात करें, BPCL, IOCL, ONGC, गेल, इन सभी स्टॉक्स में आपको एक अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में 4,73,187 करोड़ का सेल हुआ है, यानी कि जितना अभी करंट मार्केट कैप है उसके 4 टाइम्स जो है आपको सेल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला, और इस फाइनेंशियल ईयर में उससे भी ज़्यादा का सेल्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही लगातार जो है कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट भी पोस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो है कंपनी काफ़ी कम मार्जिन पे काम कर रहा है, और 2023 में जो है आपको क्रूड ऑयल के प्राइस से ज़्यादा बढ़े होने की वजह से जो है यहाँ पे आपको काफ़ी कम मार्जिन देखने को मिला, लेकिन वापस से जो है इस फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग डेट के ऊपर बात करेंगे, तो कंपनी ने अपने डेट को भी रिड्यूस किया है, तो डेट कम है, कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा है, लगातार प्रॉफिट कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
तो चलिए आप चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट को ओपन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रिटर्न जो है स्टॉक ने 2013 से यहाँ पे आपको 2017 तक बना के दिया। स्टॉक जो है तकरीबन आपको 400 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है 13 से 17 के बीच में। उसके बाद से स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। ऊपर की साइड में स्टॉक जो है रेसिस्टेंस ले रहा था 525-526 के लेवल पे। डाउन साइड में स्टॉक जो है वो आपको सपोर्ट ले रहा था 230-250 के लेवल पे। स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा था और इस रेंज में अगर देखेंगे स्टॉक 2016 से ही इस रेंज में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। और अगर इंटायर सेक्टर की बात करें तो इस पूरे सेक्टर में ही एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने आपको इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 400 के लेवल पे, जब यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था क्योंकि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया था और उस टाइम में रेसिस्टेंस भी आपको दूर था। तो ऑलरेडी रेसिस्टेंस का टारगेट, ऑल टाइम हाई का टारगेट आ चुका है, बट वापस से यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब इस ब्रेकआउट के ऊपर जो है जितने भी लोग पहले मिस कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे वापस से एंट्री ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अब लोग वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे हम लोगों को चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 7 ईयर का ये कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है और हम लोगों को पता है कभी भी चैनल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है चैनल का डेप्थ। और यहाँ पे जो चैनल का डेप्थ है तकरीबन 300 पॉइंट का है, यानी कि अब स्टॉक यहाँ से 300 पॉइंट अगर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर हम लोगों को 825-830 का लेवल देखने को मिल सकता है। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 560 के लेवल पे, यानी कि अभी भी 270 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट इस स्टॉक में हम लोगों को मिल सकता है। और साथ ही साथ अभी जिस हिसाब से सभी पीएसयू स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है आपको जितने भी ओएमसी कंपनी है इन सभी स्टॉक्स में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड हम लोगों का एसएल रहेगा 450 के नीचे, यानी कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लेंगे और ऊपर की साइड में जो है 270 पॉइंट का टारगेट होना है। तो मोर देन 1:2.5 का टारगेट जो है हम लोगों को अभी भी मिल सकता है। एक स्मॉल यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है क्योंकि स्टॉक लगातार जो है आपको अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए या फिर थोड़ा और ऊपर जाके उसके बाद रिट्रेसमेंट हो। तो ये मार्केट है, यहाँ पे आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब क्या होने वाला है, बट यहाँ पे जो है आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है पोजीशन बनाने टाइम। जो अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो आप कुछ जितना आपको यहाँ पे एलोकेट करना है 70% ही पोजीशन बनाए, रेस्ट को आप होल्ड कर ले। यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट होगा उसके बाद आप उस पैसे को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।